नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह नेगी। सावन महीना शुरू हो चुका है और पूरा भारतवर्ष हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से गूंज रहा है। यह महीना भगवान शिव की भक्ति का माना जाता है और पूरा भारत इसमें भक्तिमय नजर आता है। दोस्तों, आज सावन के महीने का पहला सोमवार है। सावन के महीने में शिव के भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं।
सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। कांवड़ यात्रा मन को शांति प्रदान करती है, हमें जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से लड़ने में शक्ति देती है। मुकेश कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन। कांवड़ यात्रा में आगे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हम कांवड़ यात्रा में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे 2 साल के बाद हम अब आए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी सुविधा मिली यहाँ। हम करीब 15 साल से आ रहे हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आना, और ऐसे आते रहेंगे। मेरा नाम सरोज कुमार, मैं गाँव बिजोली जिला मेरठ राज्य उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं काफी साल से हरिद्वार आ रहा हूँ, अब लॉकडाउन के कारण जो 2 साल से नहीं आ पाए, तो इस बार मैं आया हूँ। काफी बहुत कुछ है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत भीड़ है। सावन में जो भोले बाबा का कांवर का इतना पवित्र महीना है, ये 2 साल में जो कांवर का मेला आया है, कोरोना काल में 2 साल नहीं आया, इतना बड़ा वो आया है। मेरा नाम मोहित भाटिया, मैं गंगौला ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर बार में बार बार भोले बाबा की सेवा में कांवर लेने आता रहूं, और बार बार जल लेकर हरिद्वार से अपने यहाँ के लिए जाता रहूं। मैं जो है हरियाणा दिल्ली से आया हूँ, कपासेड़ा से है। मेरा नाम शांति प्रकाश यादव है, लीलकंठ गया था, बहुत अच्छा लगा। अब पहले मैंने कभी जानकी पुल नहीं देखा था, मैंने जानकी पुल भी देखा वहाँ, और लीलकंठ के दर्शन भी करके आया। बहुत अच्छा माहौल है, परसों बारिश भी हुई थी यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा ही लगा था। ठंडा है यहाँ, रात को जो है ठंडा पड़ जाता है, कम से कम 16 टेम्परेचर आ जाता है रात में यहाँ।
ऐसा माना जाता है कि कंधे पर कांवड़ रखकर शिव जी का नाम लेते हुए चलने से काफी पुण्य अर्जित होता है।